ओके, तो अब हम पहुंच चुके हैं नबीला आज, क्योंकि पूरे वीक के स्केड्यूल के बाद काफ़ी टफ स्केड्यूल था और फाइनली एक ऑफ डे मिला था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ इंटरव्यूज लाइंड अप करा लिए जाएं आज के लिए। मैं यहाँ पे अपना लुक ट्राई करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग हमारे साथ आएँ और देखें कि हम कौन सा लुक आज ट्राई करने वाले हैं। तो कम विद मी। तो सबसे पहले वी आर पुटिंग सम मॉइस्चराइजर ऑन द फेस। अच्छे बेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्किन को हर वक्त मॉइस्चराइज करके रखें। सबसे पहली टिप मैं आपको बताऊं, अगर नेक्स्ट डे कभी जाना हो आपको मेकअप के लिए और आपको पता हो कि आपको बेस अपने फेस पे लगाना है, तो याद से रात को क्लेंस करके सोएं और नाइट क्रीम लगा के सोएं। नाइट क्रीम ना हो तो यू नो जस्ट पुट सम वेज़लीन ऑन योर फेस। Time to enhance your features. ये क्या है, कट गई है ना बीच में से? ये हमारे ना नोज का फोकल पॉइंट होता है, इसको अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो जब ये फोकस हो रहा है तो आपका फेस ऑलरेडी पाउटी लगता है और पतला लगता है। अच्छा, नोज पॉइंटेड लगती है? पॉइंटेड लगती है। Didn't know this. अच्छा, मेकअप में सबसे बेस्ट बात है जो मुझे अब तक पसंद आई है वो ये जो प्रोडक्ट है वो हाइलाइटर है। मैं कहीं भी जाती हूँ जब फ़ौरन से आपको यू नो दो मिनट में रेडी होना होता है, तो आई जस्ट पुट सम हाइलाइटर, लिपस्टिक, सम लिपस्टिक का ब्लशर एंड अब हमने लाइनर लगाया है सिर्फ उस आई की जो शेप है वो इन्हांस करने के लिए। नॉट रियली लाइनर लुक। So we are ready. This is our final look. और अब बाकी की जो ओवरऑल लुक है वो हम आपको क्या करेंगे नेक्स्ट शॉट में दिखाएंगे। Are you ready? Yes. बिल्कुल 100% ready. I love my sleeves. And nails. And nails. चलो let's go. Hello. So finally we are on the set of something hot. अब हम आमना से मिलने वाले हैं, इंटरव्यू में पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम आपको जिम लेके चलेंगे, तो लेट्स मीट हर। शी से सुनिया, वेलकम। हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड, सो गुड टू सी यू। सो गुड टू सी यू टू, लॉन्ग ओवरड्यू। आई नो समझ नहीं आ रही मैं उल्फत कहूं या हूर कहूं या किसी और नाम से बुलाऊं। अभी तो सोनिया है। अभी सोनिया ही है और बहुत सी बातें करनी है सोनिया के साथ। जी चलें, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो वी आर डन विद द इंटरव्यू। समथिंग हॉट पे इंटरव्यू हमने दिया है वो आप देख सकेंगे बहुत जल्द। बस सही है इंटरव्यू, बट आई होप कि आप इंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ऐसे बात एक इंटरव्यू दिया है। आई एम ट्रैवलिंग टू US दिस वीक, सो आई विल बी अवे फ्रॉम वर्क, तो मैंने सोचा जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो हम इस हफ्ते निकाल दें। अभी थोड़ा सा जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि आई हैव अ फ्लाइट टू कैश टुमारो,
बिकॉज हम लाहौर जा रहे हैं, वहाँ एक सॉन्ग है जो हम शूट करने जा रहे हैं, हम यकीनन आपको वहाँ पे भी अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अब हमारी फैमिली सब बन गई है, आप हर जगह पे हर सेट पे हमारे साथ होंगे. तो आज हमारा लास्ट डे था कराची में, तो हम सॉरी जो इसी वजह से कराची के रोड्स भी ख़राब हैं बारिशों के बाद, तो हम लोग अभी जा रहे हैं रिहर्सल पे एंड वी आर हेडिंग टू द जिम. हम जिम पे जाएंगे, पहले मेरे मास्टर साहब हैं वहाँ से, उनके साथ कुछ रिहर्स करेंगे जो हमारा सॉन्ग है जिसका नाम है तू लाख चले रे गोरी थम थम के, बड़ा प्यारा सॉन्ग है इकबाल बानो का. तो वो अभी वहादत रमीज़ ने वो गाना किया है, वो हम शूट करेंगे 24th को. बट ये कि अभी रिहर्सल्स पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा जिम करेंगे, और मैं उसमें आपको ये कि थोड़ा बहुत जो वर्कआउट रूटीन है वो मैं हल्का फुल्का बता दूँगी. अदरवाइज़ हम वर्कआउट की एक ऑब्वियसली एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट क्योंकि बहुत अरसे तक मैं वीडियोस नहीं निकाल पाऊँगी और जो हमारे पास हैं वो हम आपको देंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि जितना हो सके आज के दिन मैं आप लोगों के साथ रहूँ. तो अब सुबह से आप लोग मेरे साथ हैं, यू कैन सी. तो अब हम चलें जिम चलते हैं. ओके सो वी आर हियर फाइनली. अब टाइम है आपको अपने स्टूडियो लेके जाने का, तो मैं आपको अपने स्टूडियो पर अपने मास्टर साहब का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ. कम विद मी. सॉरी मास्टर साहब. हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है. तो ये मेरे उस्ताद हैं और हम एक महीना हुआ है रिहर्सल करते. मासा को पता है मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत पता नहीं, आप बताएं थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया. माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत जल्दी ठीक किया और ठीक है लगन से आपको आया, माशाल्लाह. मासा बस आपकी दुआएं. तो अब हम क्योंकि पूरा दिन हम गुजार चुके हैं, तो अब हम फाइनली स्टूडियो में आ गए हैं. थोड़ी सी आपको झलकियाँ दिखाएंगे कि हम बैक स्टेज या बिहाइंड द सीन्स कैसे करते हैं और किस तरह से रिहर्सल्स करते हैं और कितने बजे की रिहर्सल्स होती है. I'll see you guys in Lahore then. Bye-bye.